मैं शुभ हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 10 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, लेकिन इन सब के बीच अब कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। दरअसल कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं जिसके आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, और अगर आप इस पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो क्या जानकारी है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पंचायत राज विभाग द्वारा सभी तैयारी पूरी की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम लेने के लिए टीम विभिन्न जगहों पर निकल गई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधि भी तेज हो चुकी है, जिसमें सभी गठित कोषांग को एक्टिव रहने को कहा गया है। भावी प्रत्याशी भी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, वो अभी से ही क्षेत्र में घूमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मगर बता दें कि शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले मुखिया सरपंच जो पद से हटाए गए लोग अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही लेखा प्रस्तुत करने वाले मुखिया व अन्य 3 वर्षों तक लागू चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही नाम निर्देशन की अंतर्विधि 21 वर्ष तक पूरी होने वाली है। केंद्र और राज्य में स्थानीय सेवा में ना हो 6 माह तक सजा पाने वाले कदाचार के रूप में पद से हटाए गए जनप्रतिनिधि भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जबकि पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी अभ्यर्थी एक पद से अधिक चुनाव पर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उनको अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग नामांकन प्रपत्र दाखिल करना होगा, जिसका नाजर रसीद भी अलग पहचानी होगी। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए पंचायत की मतदाता सूची में सदस्य के रूप में आपका होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम रहता है, या उक्त ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य अथवा पंच का उम्मीदवार हो सकता है। प्रखंड या पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता उस प्रखंड अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद का उम्मीदवार हो सकता है। जिला के लिए गठित मतदाता सूची में नामांकित करने रहने पर संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर उम्मीदवार हो सकता है। एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्हें अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन प्रपत्र दाखिल करना होगा। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति धारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट और कार्यरत गृह रक्षक पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कौन लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, शिक्षा केंद्रों के मानदेय का कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत, दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से उनका आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी, कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण न करता हो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा ये लोग किसी अभ्यर्थी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। तो पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही है। इसी कड़ी में ये जरूरी जानकारी सामने आई है कि किन लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, जिसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।